नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करेंगे। ये थ्योरम क्लास 9th और क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम का स्टेटमेंट जानते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो अगर आपको इस थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं याद हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को पहले समझ जाइए। थ्योरम के स्टेटमेंट का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, आपको पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आता है तो आपको इस थ्योरम को प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। तो ये है हमारे पास ट्रायंगल एबीसी, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। तो थ्योरम कहता है अगर आप इस ट्रायंगल में किसी एक साइड का मिड पॉइंट ले लीजिए, ये मान लेते हैं मिड पॉइंट है इस साइड एबी का, ये जो पॉइंट ई है वो इस एबी साइड का मिड पॉइंट है। तो ये थ्योरम कहता है अगर आप इस पॉइंट ई से अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन जो है वो पैरेलल होनी चाहिए इस लाइन बीसी के। तो अगर आप इस मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें साइड बीसी के, तो जो ये दूसरी साइड को जहाँ पे कट करता है ना, मान लेते हैं एफ पे कट कर रहा है, तो एफ भी मिड पॉइंट हो जाता है। यानी ये जो पैरेलल लाइन है वो एसी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक मतलब आप लोग जानते होंगे आधे आधे हिस्सों में काटना। तो ये जो एफ पॉइंट है वो एक्चुअली आधे आधे हिस्सों में एसी को काट रहा है, बाइसेक कर रहा है। फिर से समझते हैं, अगर एक कोई ट्रायंगल एबीसी है उसमें अगर आप किसी एक साइड पर कोई एक मिड पॉइंट ले लें और उस मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें किसी एक साइड के, मतलब ये लाइन लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होनी चाहिए, तो ये जो पैरेलल लाइन है वो दूसरे वाले साइड को जहाँ पे कट करेगी वो भी पॉइंट मिड पॉइंट होगा। यानी ये एफ भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, यही हमें प्रूफ करना है। या फिर हम लोग कहें ये जो पैरेलल लाइन है वो इस एसी वाली लाइन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कि ये जो ई है ना वो मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट, ई क्या है, मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है। अगर ई मिड पॉइंट है इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए इक्वल होगा ई बी के, ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल होगी, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल होगी, मतलब यहां पे एक टिक लगाऊं तो यहां पे भी एक टिक लगाना पड़ेगा, है ना, ये हमें गिवन है। एक चीज और गिवन है कि ये जो ई एफ है वो पैरेलल है बी सी के, ई एफ क्या है, पैरेलल है बी सी के, ये भी हमें गिवन है। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, ध्यान से देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। हम लोग इस ई एफ वाले लाइन को आगे लेके जाएंगे और इस पॉइंट सी को इस वाले पैरेलल लाइन से मिला देंगे ऐसे करके, ठीक है, इस पॉइंट को जी नाम दे देते हैं। क्या किया हमने, इस वाले ई एफ वाले लाइन को एक्सटेंड किया जी तक और सी जी को मिला दिया। तो हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में एक्सटेंड ई एफ टू जी, मैंने इस वाले लाइन को एक्सटेंड किया जी तक, खींच के ले गए जी तक और फिर सी जी को ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया सी जी को। और ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने किया है एफ जी, ये इस तरह किया है ई जी जो है वो इक्वल हो जाए बी सी के। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, इस ई एफ वाले लाइन को जी तक इस तरह लेके गए हैं ये जो बड़ी वाली लाइन ई जी है वो बी सी के इक्वल हो जाए। तो वही मैंने लिखा ई जी इक्वल्स टू बी सी, कंस्ट्रक्शन इस तरह से है, ठीक है, कि इस वाले लाइन को मैं इस तरह से बनाया हूँ कि ये नीचे वाले लाइन के इक्वल हो जाए। अब ध्यान से देखिए ई एफ जो है पैरेलल है बी सी के, ये वाली लाइन छोटी वाली इस बड़ी वाली लाइन के पैरेलल है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि जो ई जी है वो भी पैरेलल है बी सी के, यानी ये बड़ी वाली लाइन ये भी पैरेलल है बी सी के। बिल्कुल कह सकता हूँ भाई, इसी लाइन को तो खींच के आगे लेके गए हैं तो आगे भी पैरेलल ही रहेगा ना, तो ये बड़ी वाली लाइन भी बी सी के पैरल होगी। क्यों पैरल होगी, क्योंकि छोटी वाली लाइन है पैरल बड़ी वाली लाइन के, ये बड़ी वाली लाइन भी बड़ी वाली लाइन के पैरल होगी, ठीक है।
ये जो ईजी है वो पैरल है बीसी के, और साथ में ही ईजी जो है वो इक्वल है बीसी के। बड़ी वाली लाइन इस लाइन के पैरल है और साथ में इक्वल भी है। तो आपने पढ़ा होगा जब दो लाइन आपस में पैरल हो जाएं और इक्वल हो जाएं, यानी ये लाइन और ये लाइन अगर आपस में पैरल हैं और इक्वल भी हैं, तो इनसे जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसे हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, अगर कोई दो लाइन आपस में पैरल हैं और इक्वल हैं तो उनसे जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसे हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ई जी बी सी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। यानी ये बड़ा वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक्चुअली पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है? क्योंकि ये वाली साइड ई जी इस बी सी साइड के इक्वल भी है और पैरल भी है। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल में दो साइड आपस में इक्वल और पैरल हो जाएं, तो हम लोग उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहते हैं। यह आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल्स चैप्टर में। तो हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया कि ये जो ई जी बी सी है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं कह सकता हूँ ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा। मैं कह सकता हूँ ई बी जो है वो इक्वल होगा जी सी के, बिल्कुल कह सकता हूँ। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ई बी इज इक्वल टू जी सी, ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये बड़ा वाला क्या है, पैरेललोग्राम है। अब पता है हम लोग क्या शो करेंगे, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो करना है, प्रूफ क्या करना है हमें, एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट, ये हमें प्रूफ करना है। एफ को हमें क्या दिखाना है, मिड पॉइंट, यानी हमें ये दिखाना है कि ए एफ जो है वो एक्चुअली इक्वल है एफ सी के। ए एफ क्या है, एफ सी के इक्वल है। तो हमने दिखा दिया ई बी इज इक्वल टू जी सी, हमने इस वाले लाइन को इस वाले लाइन के इक्वल दिखा दिया। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, देखते हैं ऐसा दिखाने का फ़ायदा हमें क्या मिलता है। अच्छा बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, इसे हम लोग कहते हैं अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है मैं बताता हूँ आपको। देखिए हुआ क्या है, ये लाइन है, यह लाइन है ना ए बी, इसमें एक ऐसे लाइन गई है और ये एक लाइन है। तो मैं कह सकता हूँ क्या ये वाली लाइन इसके पैरल होगी, ये वाली लाइन या कहें बड़ी वाली लाइन इस छोटी वाली लाइन के पैरल होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरल भी होते हैं, मतलब ये वाला साइड इसके पैरल होगा। और जब ये वाला साइड इसके पैरल होगा तो बड़ा वाला साइड भी इस छोटे वाले साइड के पैरल होगा, यानी कह सकता हूँ ये वाली लाइन इसके पैरल है। तो ध्यान से देखिए, बीच में एक ट्रांसवर्सल गया है, बीच में एक ट्रांसवर्सल गया है, ये ई है और ये जी है, बीच में क्या गया है, एक ट्रांसवर्सल है ना। ध्यान से देखिए, मैंने इस वाले लाइन को यहाँ पर बनाया है, इस वाले लाइन को मैंने यहाँ पर बनाया है और इस वाले लाइन को यहाँ बनाया है। तो ये बड़ी वाली लाइन इसके पैरल है और बीच में एक ट्रांसवर्सल गया है, ट्रांसवर्सल गया है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो हमें दिख रहा है एंगल ए ई एफ, मतलब ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के एफ जी सी के। ए ई एफ यानी ये वाला एंगल इक्वल है एफ जी सी के, यानी इस एंगल के। ठीक है, साथ में ए एफ ई, ए एफ ई मतलब ये वाला एंगल ये इक्वल है जी एफ सी के, ये एफ है जी एफ सी के। इसके पीछे क्या रीजन है, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल्स। इसके पीछे क्या रीजन है, अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और साथ में देखिए ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल है, ए इक्वल है जी सी के। तो हमें क्या मिला, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या मिला, एक एंगल मिला
एक और एंगल मिला और एक साइड मिला, तो एंगल एंगल साइड से हम लोग कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बाय ए ए एस ट्रायंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ जी सी, दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब ये ए एफ इक्वल होगा एफ सी के, ए एफ किसके इक्वल होगा एफ सी के, क्यों होगा बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। अरे भाई जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए एफ और एफ सी आपस में इक्वल होगा, है ना, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके साइड्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ए एफ किसके इक्वल होगा एफ सी के, ठीक है। तो अगर ए एफ बराबर एफ सी है इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट। हमने क्या दिखाया, ये वाली साइड इसके इक्वल है तो इसका मतलब एफ मिड पॉइंट रहा होगा तभी ना, एफ इज मिड पॉइंट। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो ई एफ है, ई एफ बाइसेक्ट्स ए सी, ये भी तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पैरेलल लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है ए सी लाइन को, ठीक है। और यही तो प्रूफ करना था कि ये जो पैरेलल लाइन है वो बड़ी वाली लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हो क्या रहा है। थ्योरम है कि अगर आप किसी एक ट्रायंगल में किसी एक मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें दूसरे वाले साइड के, तो जो पैरेलल लाइन है वो जो दूसरे वाले साइड को जहाँ पे कट करती है वो भी मिड पॉइंट होता है, यानी ये पैरेलल लाइन इस एसी को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। यानी अगर ई मिड पॉइंट है तो एफ भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने पता क्या किया, पहले इस ई एफ वाले लाइन को आगे लेके गए, इस तरह लेके गए तो कि ये बड़ी वाली लाइन इस छोटे वाले लाइन के, ये बड़ी वाली लाइन इस वाले लाइन के इक्वल हो जाए और पैरेलल भी। पैरेलल क्यों होगी, क्योंकि छोटी लाइन इस बड़ी वाली लाइन के पैरेलल थी, तो बड़ी वाली लाइन भी इस बड़ी वाली लाइन के पैरेलल होगी। फिर हमने क्या किया, दिखा दिया कि ये जो बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल बनना है ये एक पैलोग्राम है। पैलोग्राम दिखाने का फायदा मिला कि ये वाली साइड इसके पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी, क्योंकि पैलोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गए। फिर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो बाय सी पी सी टी ई वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको थ्योरम समझ में आ गया होगा। ये जो थ्योरम है, अगर क्लास टेंथ के बच्चे देख रहे हैं तो मैंने एक वीडियो और बनाया है इसी थ्योरम पे। उस वाले वीडियो में मैंने इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम के मदद से प्रूफ किया है। थेल्स थ्योरम के मदद से प्रूफ करना इस थ्योरम को ज़्यादा आसान पड़ता है। तो अगर आप क्लास टेंथ में हैं तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख लें, क्योंकि ये वाला प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो प्रूफ है वो आपको छोटा लगेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।